साल 2022 में भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका कंगाले की कगार पर पहुंच गया। महंगाई से जनता त्राहिमाम करती दिखी तो राजनीतिक गलियारों में घमासान जारी रहा। अब नया साल 2023 शुरू हो चुका है और श्रीलंका जैसे ही हालात नजर आ रहे हैं, हमारे दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान में जहां महंगाई दर आसमान छू रही है, मूलभूत सुविधाएं लोगों से दूर होती जा रही हैं और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती जा रही है, वहीं अब पाकिस्तानी जनता भी बोलने लगी है कि क्या होगा पाकिस्तान का। दरअसल श्रीलंका की तरह ही पाकिस्तान भी आर्थिक बदहाली के हालातों का सामना कर रहा है। देश की सरकार ने भी अभी से मान लिया है। पाक रक्षा मंत्री ने खुद कहा है कि देश गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। पेट्रोल डीजल हो, खाने पीने के सामान हो या फिर रसोई गैस और बिजली, हर चीज स्थानीय लोगों की पहुँच से दूर होती जा रही है। देश में महंगाई का आलम यह है कि मुद्रास्फीति दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 24.5% पे पहुंच चुकी है। इसके अलावा पाक पर कर्ज भी लगातार बढ़ रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसंबर में 24.5% हो गया। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो के डाटा को देखें तो एक साल पहले की समान अवधि में आंकड़ा 12.28% दर्ज किया गया था। CPI में साल दर साल इजाफा देखने को मिल रहा है और इसे काबू में करने के सरकार के सभी उपाय फेल नजर आ रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी देश के हालातों को देखते हुए इसके 23-25% के बीच रहने का अनुमान जाहिर किया था। आंकड़ों से पता चलता है कि पाकिस्तान में खाद्य मुद्रास्फीति साल दर साल 35.5% बढ़ी है, जबकि परिवहन की कीमतें 41.2% और कपड़े व जूतों की कीमतों में 17.1% की जोरदार तेजी आई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी श्रीलंका की तरह ही बुरे दौर से गुजर रही है। यहाँ पर महंगाई ने कैसे कोहराम मचाया हुआ है, इसका अंदाजा चिकन और LPG की कीमतें देखकर ही लगाया जा सकता है। देश में चिकन और मीट आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। डॉन की रिपोर्ट पर गौर करें तो पाकिस्तान में चिकन 650 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में 800 रुपए प्रति किलो पर पहुंच सकता है। LPG गैस की बात करें तो कमर्शियल गैस सिलेंडर 10,000 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। लोग बढ़ते दामों की चिंता में प्लास्टिक बैग्स में LPG स्टोर करने को मजबूर हैं। पाकिस्तान में गैस, चिकन के अलावा आटा, चीनी और घी के दामों में सालाना आधार पर 25-62% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। डॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि गेहूं संकट भी चिंता का सबब बनने लगा है। देश के कई हिस्सों में गेहूं का संकट गहरा गया है। साफ शब्दों में कहें तो इसी तरह के हालात रहे तो आने वाले दिनों में पाकिस्तानी लोगों की थाली से रोटी भी गायब हो सकती है। रिपोर्ट की माने तो इस्लामाबाद ने रोजाना गेहूं की खपत 20 किलो के 38,000 बैग्स की है, लेकिन यहां संचालित 40 आटा मिलों से 21,000 बैग्स की आपूर्ति हो पा रही है। बिजली की किल्लत का भी पाकिस्तानियों को सामना करना पड़ रहा है। गरीबी दर में जोरदार इजाफा हुआ, 35.7% की इसमें वृद्धि हो गई। कुल मिलाकर कहा जाए तो आंकड़े और हालात लगभग वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे कि श्रीलंका में दिखाई दिए थे, जहां महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को जान गंवानी पड़ रही थी। बिजली की समस्या लोगों को परेशान करने के साथ ही कारोबारों पर ताला लटकाने का काम कर रही थी। विदेशी मुद्रा भंडार धीमे धीमे खत्म होता गया था और राजनीतिक उथल पुथल ऐसी मची थी कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा था। अगर पाकिस्तान की सरकार ने इन हालातों को जल्द काबू में नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये देश दूसरा श्रीलंका बन जाए। लेकिन आपको देखना चाहिए कि पाकिस्तान की जनता भी इन हालातों को देखकर कितनी चिंतित है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, पहले तो हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी की ही चिंता थी, लेकिन अब तो आतंकवाद भी हमें अंदर से खत्म कर देगा। शाहिद शेख लिखते हैं, पाकिस्तान की रोड लाइन तो मजबूत है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। कृपया आर्थिक समस्याओं को देश से हटाएं, इन्हें सोल्व करें। राफिया कहती है कि अगर पाकिस्तान सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है और प्रधानमंत्री कह रहा है IMF से कि प्लीज मदद कर दो, हमारे मुल्क में रिजर्व ना के बराबर है। अगर आपको सच में चिंता है तो जेनेवा की ट्रिप कैंसिल करो। जो भी बोंगिया मारनी है वो इधर वीडियो लिंक से कर लें, वहाँ जाके कौन सा तीर मार लेना है आप सब ने। आयशा मलिक कहती है, पाकिस्तान में इस तरह के हालात हुए हैं यहाँ की सरकार और मिसमैनेजमेंट की वजह से, डिक्टेटर की वजह से नहीं बल्कि उन लोगों की वजह से जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी जनता भी देश में फैले इन हालातों पर चिंतित है और उन्हें भी मालूम है कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है। उन्हीं नेताओं की वजह से जो पाकिस्तान को लूट कर खा गए और पाकिस्तानी जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। नतीजा सबके सामने है कि पाकिस्तान में महंगाई से कोहराम है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।